अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। गाइस वेलकम बैक, और आज है थर्सडे और बज रहे हैं सुबह के 9, और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मेरा लगभग आधा काम हो चुका है, लंच बनाना बाकी है और बाई आएगी तो बर्तन धोएगी, वो रखा है मैंने बालकोनी में, बस यही है। और यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं सूखने को, इतनी हवा चलती है कि पिन लगाने के बाद भी ये गिर जाते हैं इस तरह, तो कपड़े भी लगभग सूख चुके हैं, उसे मैं उठाऊँगी 2-3 घंटे बाद। अभी मैं अपना कर रही थी वेट, वेट काफ़ी गेन कर लिया है मैंने, देखती हूँ वेट लॉस के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अभी तो मैं फिलहाल मैं कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक, हाफ एन आवर मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, और अभी मैं जाऊँगी लंच बनाने। मैं हमेशा आपसे लंच रूटीन डिनर रूटीन शेयर करती हूँ, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए बाकी पीछे का वीडियो। और अभी मुझे जाना है क्लीनिंग करने इस एरिया का, बहुत दिन हो जाते हैं तो ये उलझ जाते हैं, तो छोटे छोटे डब्बे कभी इधर रख दिया कभी उधर रख दिया तो थोड़ा अच्छा नहीं लगने लगता है, तो इसको मैं करूँगी आज क्लीन। बाकी ऊपर का दोनों सेल्फ ठीक ठाक है, और नाश्ता करने के बाद अभी किचन का ये हाल है, बस यही सब सारे काम अभी बाकी है। दूध वाला आया है तो दूध मैंने चढ़ा दिया है इंडक्शन पे, और मैंने कल ही रात में जो मैं अभी लंच में जो सब्ज़ी बनाऊंगी, इसको कहते हैं परवल या बहुत लोग इसे पटल के नाम से भी जानेंगे, तो उसको मैंने काट के ऐसे ग्लास के जार में रख दिया था, इसको मैं निकालूंगी और फिर बनाऊंगी ये। और दाल को मैं भिगो के रख दी, आधा घंटे पहले मैं दाल चावल भिगो देती हूँ, चावल अभी नहीं डाला है अभी डाल दूँगी, और दाल मैंने भिगो दिया है। इतने सारे काम है और कुछ घर की गर्मी है क्लीनिंग, और अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे काम होते हैं, बड़े बेटे का टिफिन, उसके बाद हस्बैंड का टिफिन, उसके बाद छोटे बच्चे का टिफिन, मतलब आपको 9 बजे तक तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, तो इस तरह करके हो जाता है बहुत सारे काम। और अब बच्चे आएंगे तो उसके लिए फिर लंच बनाना है, तो चलिए फिर मैं अभी करती हूँ फटाफट नीचे वाले शेल्फ की क्लीनिंग। यहाँ पे मैंने कर लिया है सारा ऑर्गेनाइज, इस स्पेस को छोड़ दिया है, कुछ भी अगर मुझे रखना होगा तो मैं यहाँ पर रख लूँगी, और ये इस तरह मैंने इसको सजा दिया है। इसमें है अगरबत्ती जो मैं हर शाम जलाती हूँ, और इसमें इस में रखा है मैंने घी और बच्चे के तेल का डब्बा और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, ये सारी इसमें रखा है, और इस कॉर्नर में इसमें रखा है मैंने अगरबत्ती। तो आप देखिए ये एरिया बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है, और अब इसको करना है मुझे यूज़। मैंने आपको किचन टूल में इसके बारे में पूछा था, और मैं सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि इसमें क्या रखना चाहिए। ये ऐसे मूव करता है तो आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, तो ये मैंने कूटने वाला रखा है और बेलन, और ये दाल घोटने का जो होता है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और इसकी सारी जो सीजर्स या नाइफ है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी, इकट्ठे रख देती हूँ सारी। काफी स्पेस है इसमें, और ये है सब्जी कोरिएंडर, हरी मिर्च, पालक, काफी सारा सीजर,
तो इसे मैं रख देते हैं यहाँ पे और इसको हटा देते हूँ फिलहाल के लिए। इस तरह सेट हो गया ये एरिया, आप इसे मूव कर सकती हैं जो कुछ भी आपको निकालना हो इस तरह। बस ये भी हो गया सेट और ये भी हो गया क्लीन। तो यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट में मैं क्या क्या डालूँगी, मैं डालूँगी यहाँ पे हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च वन टी स्पून, जीरा वन टी स्पून एंड ये है कोरिएंडर पाउडर हाफ टी स्पून और डाल दूँगी साथ साथ में नमक। तो जब तक तेल गर्म होता है मैं सारे डब्बे में ढक्कन लगा कर मैं रख देती हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी 5 फ़ोरन है ये, इसमें है सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी और राई, ये सारी चीज़ें मैंने मिला के और ज़ीरा भी मैंने डाला है इसमें। तो इसमें डाल के मैं इसमें डाल दूँगी, जब ये तड़कने लगेगा तब मैं ये सारे मसाले को डाल दूँगी। थोड़ी देर इसको भूनूंगी, भूनने के बाद तब मैं ये डालूंगी परवल जिसे मैंने रात में काट के धो के और इस तरह के जार में रख दिया था फ्रिज में और इसको मैं आधा भूनूंगी और आधा मैं ये पटल डाल के भूनूंगी। ये आधा भून चुका है, अब मैं ये डाल दूंगी परवल, मिला दूंगी मसालों में। बहुत इजी है, बहुत सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत टेस्टी बनता है ये। इसको इस तरह मिक्स करके ढक दूंगी और सिम पे कर दूंगी फ्लेम को। सब्जी बन के हो गई है तैयार, ये बिल्कुल गल गया है, इसको मैं निकाल लूंगी। देते हैं इस तरह बनाइए परवल की सब्जी, बहुत आसान तरीका है और दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।